श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 64 और देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का आप सबके लिए। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। तो यहाँ पर ये दो टैरो डेक हैं जो आप देख रहे हैं, एक है हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक और दूसरा है द लाइट सीयर्स टैरो डेक। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक से और फिर हम देखेंगे द लाइट सीयर्स टैरो डेक की रीडिंग। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इन वॉल्यूम 64। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। ओके, तो किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है, क्या होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से अचानक गुड न्यूज मिलेगा, पैसे मिलेंगे आपका, कोई कहीं पे पैसा अगर रुका हुआ है, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अगर आपसे किसी ने पैसे लिए रिटर्न करेगा, कहीं से आपको अचानक से धन लाभ होगा। एट ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है कि आप उस काम को कर सकें, आप वो घर खरीद सकें, आप ये बिजनेस शुरू कर सकें। तो आप कहीं ना कहीं कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आपको बस खुद से अपने जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, ब्लॉकेजेस आप सोच रहे हैं, उनको खुद से ओपन करना है और आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने धोखे से आपको ये सिचुएशन में डाला है। मतलब ये कि एट ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन आपकी क्यों आई है आपकी लाइफ में, क्यों आप ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने धोखा दिया। सीधा टेन ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा धोखा मिला आपको, कोई बिजनेस शुरू किया उसमें घाटा हो गया, किसी ने आपको बैकस्टैप किया और इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि अब आप आगे कैसे बढ़ें, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। कार्ड्स प्लीज टेल मी व्हाट शुड दे डू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए, फायरी एनर्जी है, आप में विजन है, आप आगे बढ़ें। आप सिर्फ अगर आपके साथ एक बार ऐसा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कामयाबी नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि आप तो जंगल के राजा हो, किंग हो आप, और यहाँ पर जो जंगल का राजा है वही तो, उसी की तो बात चलेगी। मतलब ये एक फायरी एनर्जी है आप में, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जो हो गया वो हो गया, अभी आपको फिर से एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज़ शुरू करनी है और यकीनन जीत आपकी होगी क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड फाइव ऑफ रॉड्स, तो ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पर आया है, हो सकता है कि आपकी किसी से कोई अनबन हो रही हो, आप जो काम करना चाहते हैं कुछ लोग आपको अपोज कर रहे हो, आपकी फैमिली में ही हो सकता है कि कोई आपको कह रहा हो कि ये काम आप क्यों कर रहे हो, पिछली बार भी आपको नुकसान हुआ था, लेकिन ये ना ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है। अगर आपका कोई अपना आपको टोक रहा है कि भाई पिछली बार भी फाइनेंशियल लॉस हो गया था ये काम करने में, अब मत करो, तो ये इसको आप सीरियसली ना लें क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल आपको आपकी लेग पुलिंग करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा मीन नहीं करेंगे, जो भी कहेंगे उस बात का ज़्यादा मतलब होगा नहीं। तो अगर आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, आपने कोई काम शुरू किया वो चला नहीं और अब आप जब दोबारा से कुछ करना चाह रहे हैं और आपके परिवार वाले आपको टोक रहे हैं, तो उसको ज़्यादा सीरियस ना लें क्योंकि वो हो सकता है मजाक में आपसे कह रहे हो, वो इतना सीरियस नहीं है, तो आप भी ना हो और आप जो सोच रहे हैं उसे करें। दो कार्ड्स और निकले हैं, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आया है और साथ में एट ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार वो काम करने की सोचते हैं और फिर जैसे ही वो काम आप एट ऑफ कप्स से पहुँच जाते हैं और फिर आप देखिए ये जो लेडी है ये बिल्कुल ये एट ऑफ कप्स है, जब ये पूरे कप्स अपराइट है, सब कुछ अच्छा है और ये लास्ट वन पे एकदम पलट जाती है कि चलिए मैं कर ही नहीं रही हूँ, छोड़ दो इस काम को। तो यही आपके साथ हो रहा है, आप कैसे कैसे करके आठ कप जो है इनको इतने अच्छे से आपने रखा है, देखो कितनी मेहनत करी है स्टेप बाय स्टेप, और जब आप बस दो कप पीछे रह गए, 9 और 10, उसके बाद आप आठ कप आपके पास आ गए और आप यहाँ पे पीठ दिखा के जा रहे हो, तो यही तो नहीं करना है आपको। आप मेहनत कर रहे हो और फिर आप पीठ दिखा के चले जाओगे, जब आप ये चीज़ करेंगे तो नुकसान है, लेकिन अगर आप ऐसा ना करें तो ये द वर्ल्ड कार्ड है आपके लिए, तो ये फाइनली आपको यहाँ पर कामयाबी मिलेगी, ये आप मान के चलें। तो ये यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, कहने का मतलब ये है कि
यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि तुम्हें बहुत सारा धन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंशियल गेन देना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अब मेहनत कर ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक बार और यहाँ पर समझाती हूँ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि देखो, ये जब पहिया घूमेगा, जब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, तो क्या होगा, आपकी किस्मत में खजाना है, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन क्या हो रहा है कि आप तो एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। जैसे ये लेडी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, पर वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये अपने हाथ से इस रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी बंदिश को से हटो और यहाँ पे एक्शन लो, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि देखो पिछली बार क्या हुआ था, मैंने काम किया लेकिन मुझे धोखा मिला, मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया पिछली बार। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है नहीं, आप ऐसे हार मत मानो, आपको अभी भी ट्राई करना है, कोशिश करनी है। तो आप यहाँ पे एकदम से फायरी एनर्जी, और ठीक है मैं एक्शन लूँगा, मैं फिर से काम शुरू करूँगा। लेकिन फिर क्या चीज़ आपको पीछे खींच रही है, आपके ही अपने जो है वो आपको अपोज कर रहे हैं। जैसे देखिए ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन देखिए ये बहुत ही चाइल्डिश फाइट है। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आप तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये चाइल्डिश हैं ये सब, फाइव ऑफ वॉन्ड्स तो आपकी एनर्जी के सामने इनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है। तो इनकी बातों को इतना सीरियसली आपको नहीं लेना है। इसके बाद क्या होता है, आप सोचते हो चलो ठीक है मैं काम करता हूँ, फिर दोबारा मेहनत करते हो, एट ऑफ कप्स तक पहुँचते हो, और लास्ट वन पे आके आप पीठ दिखा के जाने लगते हो कि ठीक है मेरे को नहीं करना, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रही है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ गया, द वर्ल्ड कार्ड आ गया हमें, तो यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आ गया, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है आपके साथ। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही कह रहा है कि जो भी आप करना चाहते हो आप करें, आपके आपको कौन क्या कह रहा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इसको छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे फाइनेंशियल गेन देना चाहता है। गिव अप मत करो, ये आपको मैसेज है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि खजाना आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी ये पहिया घुमाना पड़ेगा। जब पहिया घूमेगा और आप यहाँ पर एक बोल्ड डिसीजन लेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह एक्शन लेंगे, तभी तो बात बनेगी, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो रोप में आप बंधे हुए हो, इस रोप से आप आज़ाद हों, निकलें इस रोप से, और गिव अप ना करें, अपने जो भी आप करना चाहते हैं उससे गिव अप ना करें, आगे बढ़ें, और तभी जो ये साइकिल है ये कंप्लीट होगी, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये यहाँ पे मैसेज है जिन्होंने सिलेक्ट किया था हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक। अब नेक्स्ट जिन्होंने सिलेक्ट किया है द लाइट सीयर्स टैरो, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है इन वॉल्यूम 64। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द लाइट सीयर्स टैरो 64। व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम हु सिलेक्टेड द लाइट सीयर्स टैरो इन वॉल्यूम 64। वन, ओके द डेथ कार्ड, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड फाइनली सिक्स। यहाँ पर जो ये कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये बताता है कि जो भी अभी आप कोई करंट किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, या आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई घर है, फ्लैट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आप नए फ्लैट को खरीदना चाहते हैं, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखाता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन में हैं और आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आए। तो यहाँ पर जो भी ये चीज़ है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेफिनेटली आपके फेवर में ही आएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस बात को यहाँ पर कंफर्म करता है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे थे, वो चीज़ आपके ही फेवर में यहाँ पर आएगी। इसके बाद यहाँ पर आता है टेन ऑफ कप्स, जो दिखाता है हैप्पी फैमिली को। यहाँ पर आप देखिए दो पर्सन यहाँ बैठे हैं, यहाँ पूरा परिवार है और ये बहुत ही हैप्पी प्रॉस्परस फैमिली है। तो जो भी ये डिसीजन आने वाले समय में, ऐसा लगता है कि बाय द ईयर एंड अगर आप कोई प्रोजेक्ट, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कहीं पे जहाँ डील होनी है वो डील आपके फेवर में ही जाएगी। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट कोट किया है, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आपने उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट कहा है, तो उस पर स्टिक रहें, क्योंकि वो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन हाँ करेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है, यानी कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है आने वाले समय में, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया है जो इस चीज़ को और भी ज़्यादा कन्फर्म करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो पहिया है वो घूम रहा है और चीज़ें जो हैं वो अब आपके फेवर में होने वाली हैं। तो जो भी आपने यहाँ से शुरू किया है, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, कोई डील है, जो भी चीज़ है, कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को आपने एक पर्टिकुलर सैलरी बता दी है, कोट कर दी है, और आप चाहते हैं कि आपको उतनी सैलरी में रख लिया जाए, तो यहाँ बहुत चांसेस है कि फेवर आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा।
और यहाँ पर ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपके फेवर में ही यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड आता है द डेथ कार्ड और द रीबर्थ कार्ड भी इसे बोलते हैं, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की यहाँ से होगी। हो सकता है इससे पहले आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन अब यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जो भी आपकी लाइफ में हुआ अब चीज़ें बदलेंगी और एक नई शुरुआत, एक नई दिशा आपको मिलेगी, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा। जैसे आप इस कार्ड में देखें सूरज उग रहा है और ये कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ को दर्शा रहा है। और एंड फाइनली जैसा कि मैंने कहा ये है सन कार्ड, जो बताता है कि आपको यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलेगी और आप शाइन करेंगे। यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप देखेंगे पर्सन है और यहाँ सन सन शाइन कर रहा है और ये बहुत खुश है यहाँ पर। तो ऐसा ही यहाँ लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी, जो पास्ट में हुआ उन चीज़ों की वजह से अब आप दुखी ना हो, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से, बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। पुरानी चीज़ें फिनिश होंगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई जॉब मिलेगी और उस जॉब में जो सैलरी आप कोट करेंगे आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि आप एक स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे और सामने वाला पर्सन आपको मना नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। प्लस ये टेन ऑफ कप्स कंफर्म करता है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई ब्लॉकेज है, तो यहाँ आपकी शादी का भी यहाँ पे कार्ड ये है जो हैप्पीनेस को, हाउस को, फैमिली को दिखाता है। तो यहाँ पे सारे ही कार्ड्स आपके फेवर में हैं, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो यहाँ पे आप शाइन करेंगे आने वाले समय में, ऐसा भी यहाँ पे क्लियर लग रहा है। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया द लाइट सीयर्स टैरो, आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस मिलने वाली है, फाइनेंशियल गेन होने वाला है। कोई प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं आपके फेवर में ही जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कोट करेंगे आपकी बात को माना जाएगा। एंड फाइनली एक नई बिगनिंग है आपकी लाइफ की, एक नई शुरुआत है जहाँ पर सनशाइन करेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। तो यही रीडिंग है आप सबके लिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जो भी ये पर्सनलाइज रीडिंग होती है ये बहुत ही प्राइवेट होती है और इसको शेयर नहीं किया जाता। तो जो जिनको भी ये डाउट होता है कि क्या आप यूट्यूब पर ये वीडियोज़ डालेंगे हमारी पर्सनल रीडिंग की, तो ऐसा नहीं होता है। बस व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, वो भी इसलिए जिससे कि आप कार्ड्स देख सकें, आप खुद समझ सकें, इसलिए। तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका, कोई ऐसा नहीं होता कि हम कहीं और किसी और को आपकी रीडिंग को दिखाएंगे। तो आप प्राइवेसी के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इट्स कम्प्लीटली प्राइवेट वीडियो होती है, वीडियो कॉल होती है और उसमें आप अपनी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं और टैरो कार्ड के माध्यम से उसका आंसर आप ले सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय भारत।